दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप काफी जो आप लोग भी सो फ्रेंड्स मिलेगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग। आज मैं बात करूंगा टीवीएस जुपिटर ग्रांडे के बारे में। यस, फाइनली अगेन ये फिर से लॉन्च हो गई है। कंपनी ने इसके पहले भी लॉन्च किया था, देन उसको हटा दिया था, उसके जगह फिर जुपिटर ZX को लॉन्च किया था। कंपनी का क्या दिमाग दौड़ा और फिर से उन्होंने टीवीएस जुपिटर ग्रांडे एडिशन करके लॉन्च किया। ना लिमिटेड लगाया, ना कुछ लगाया, बस एडिशन करके लॉन्च कर दिया। आपको एडिशन वाले वेरियंट में आपको क्या देखने को मिलता है नए जुपिटर? सो फ्रेंड्स, आखिरी तक वीडियो देखिए, बिल्कुल मत मिस करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल रूपम ब्लॉग्स। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके साथ बेल आइकन, उसको भी क्लिक करना ना भूले, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, हम वेस्टिंग करते नाम एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, टीवीएस ने जुपिटर का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया, डेट इज ग्रांडे एडिशन। और वैसे तो मैं इसको नया नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके पहले भी ग्रांडे लॉन्च कर चुके थे, देन उसको हटाया था, देन कंपनी ने लॉन्च किया था कि जुपिटर ZX और उसका एक वेरिएंट किया था ZX विद डिस्क ब्रेक। लेकिन कंपनी ने फिर से पता नहीं क्या सोचा और जुपिटर ग्रांडे एडिशन करके लॉन्च कर दिया। सबसे पहले बात करें इसकी प्राइसिंग, तो आपको देना पड़ेगा 59,900 रुपीज फॉर द एक्स शोरूम प्राइस, प्लस आरटीओ और इंश्योरेंस और ऐड कर देंगे तो इसका आपको जो भी बढ़ेगा वो पड़ जाएगा। वो आप जाके आप अपने शोरूम, जो भी पास में शोरूम है, वहां जाकर पता कर लो। जो वेरिएंट है, कंपनी ने काफी दिमाग से रखा है, जुपिटर ZX से और जुपिटर ZX डिक्स वाले वेरिएंट के बीच में आता है। जो कि ZX वाले वेरिएंट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 57,000 के बीच आता है, और ZX डिस्क ब्रेक वाला लेते हैं तो ऑलमोस्ट 60,000 के करीब करीब वो आ जाता है। तो दोनों गाड़ियों के बीच में इसको रखा गया है। दैट मीन्स अगर जुपिटर ZX नहीं लेना है तो आपके इस ग्रांडे ऑप्शन है, और डिस्क ब्रेक वाला नहीं लेना है तो भी आपके इस ग्रांडे ऑप्शन है, मतलब बीच में ग्रांडे फंस जाती है। बात आती है लिमिटेड, तो लिख दिया, लेकिन इसमें मिलेगा क्या लिमिटेड में? तो आपको कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आपके प्रीवियस ग्रांडे है तो इस गाड़ी में उतना कुछ चेंजेस नहीं है, तो आप फिक्र मत करिए। बस थोड़ा बहुत ही हाईलाइटिंग होता है, अपनी ज्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं करती है। हाँ, एक चीज जो ऐड किया है इस गाड़ी में, दैट इज में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू आपका फोन कनेक्ट होगा, जिसको TVS बोलता है स्मार्ट कनेक्ट। TVS के ऐप है जो आप डाउनलोड करके को अपने ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, और बोले तो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको दो चार चीजें ही आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में। पहली चीज जो देखने को मिलती है डेट इज कॉल अलर्ट, दूसरी आपको देखने को मिलती है स्पीड अलर्ट, रेस्ट आपको सारी चीजें तो नॉर्मल मिलती है, ऑटोमेटेड ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, सारी चीजें तो आपको डिजिटल में मिलता है। एनालॉग वाला पार्ट है, वहां पर स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो थोड़ा सा ही अपडेट देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ अपडेट नहीं है। डिजाइन में थोड़ा चेंजेस है, उसके साइड में जो कवरिंग है वो पहले ब्लैक आता था, अब थोड़ा सिल्वर कर दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बात करो फ्रंट एंड की, तो इस गाड़ी में आपको मिलता है फुल्ली LED हेडलाइट, जो पहले ग्रांडे थी उसमें मिलता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा क्रोम फिनिश देखने को मिलता है, प्लस फ्रंट फेंडर में भी आपको थोड़ा सा क्रोम फिनिश देखने को मिलता है, नथिंग एल्स, इतना ही आपको देखने को मिलता है। साइड पैनल की बात करें तो साइड पैनल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है, हाँ, लेकिन जो इसका लोगो है वो थोड़ा 3D लोगो है, और प्लस आपको डुअल टोन कलर में आता है ये लोगो, तो देखने में थोड़ी अच्छी हो जाती है, प्लस उसके नीचे ग्रांडे लिखा हुआ है तो ओवरऑल लिखा पड़ी में अच्छा खासा हो जाता है। अब बात करें इसके कलर की, आपको मिलता है एक ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर बोलते हैं इसको मेरे हिसाब से, तो मैं यही बोलता हूँ। तो सीट है, सीट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो पहले ग्रांडे लॉन्च हुई थी वैसा वाला सीट मिलता है, स्टिच वाला सीट मिलता है, और रियर एंड की बात करूँ तो वही जुपिटर का जो पैटर्न वाला जो टेल लाइट है वो आपको देखने को मिलता है। मिरर देखेंगे तो मिरर में भी हाफ आपको क्रोम देखने को मिलता है, हाफ कवर्ड क्रोम बोलते हैं, वो पहले जुपिटर थी उसमें भी देखने को मिलता है। तो आपको नेक्स्ट चीज अच्छी देखने को मिलती है वो है इसके व्हील्स, यस, आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है, जो कि जुपिटर ZX से काफी अच्छी मेरे को लगी, थोड़ा आपको अच्छा अपील कराएगी, थोड़ा रिच फील कराएगी। इसमें मिलता है डिस्क ब्रेक फ्रंट एंड में, पीछे मिलता है ड्रम ब्रेक, और इसमें मिलता है सिंक ब्रेकिंग सिस्टम, और इसके पहले TVS ने इसका नाम रखा था कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, वही आपको सिग्नेचर फ्यूल लेड मिलेगा जो TVS का है, दैट इज एक्सटर्नल फ्यूल लेड आपको इसमें मिलता है, प्लस वही नॉर्मल जो ग्रैब रेल है वही आपको देखने को मिलता है। ये तो बात होगी गाड़ी के ओवरऑल डिजाइन की। अब बात करें इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन, तो इंजन स्पेसिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो प्रीवियस ग्रांडे थी वही वाला है, 109.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि पावर आउटपुट निकालता है 8 bhp का पावर आउटपुट, और जो टॉर्क आपको देखने को मिलता है 8.4 newton meters का टॉर्क आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है, जो कि एक्टिवा से थोड़ा कम है इसका टॉर्क, पावर तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ अगले फीचर्स की, वो है साइकिल पार्ट्स आपको देखने को मिलता है, इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक तो मिलता ही है, लेकिन पीछे मिलता है मोनोशॉक अब्जर्वर विद 5-स्टेप एडजस्टेबल, जो कि देखने को मिलता है। ऐसे भी जुपिटर का सस्पेंशन मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू एक्टिवा,
एक्टिवा का थोड़ा सॉफ्टर साइड है और ये हल्का सा स्टिफर साइड है जो कि होना चाहिए। एक्टिवा में थोड़ा झूलने टाइप लगता है और जुपिटर में झूलने टाइप नहीं लगता है, जो कि अच्छा है। स्टेबिलिटी काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है जुपिटर में। आती कहानी कि हमें क्या जुपिटर ग्रांडे एडिशन लेना चाहिए या जुपिटर ZX जो ऑनगोइंग अभी भी सेल हो रहा है वो लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं एक ही सजेशन करूंगा कि ग्रांडे पे जाइए, क्योंकि फीचर्स थोड़ा अच्छा मिलता है, प्राइस थोड़ा बीच का आता है, लेकिन आपको फीचर अच्छे खासे मिल जाते हैं, लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, लाइक आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स। तो कुछ चीज़ें जो अच्छी है जो आपको जुपिटर ZX में नहीं मिलती है, और ग्रांडे को बंद करने का शायद यही कारण था पहले भी, क्योंकि उनके जो जुपिटर की जो नॉर्मल सीरीज है वो बेचना कम हो गया था या उनकी सेल्स कम हो गई थी क्योंकि ग्रांडे सबसे ज़्यादा ले रहे थे। लेकिन कंपनी का पता नहीं क्या हुआ, फिर से ग्रांडे लॉन्च कर दिया और फिर से ग्रांडे ही बिकेगी, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अभी क्या राय है प्लीज आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट TVS जुपिटर ग्रांडे एडिशन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। और स्कूटर से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम का जो हैंडलर दिख रहा है ना, इसको फॉलो करिए। विद इन 48 आवर्स अगर आपने मैसेज किया है तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रिव्यू कुछ भी हो सकता है। टिल देन बाय एंड चाओ।